बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। हम इस दुआ के साथ सबक शुरू करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला का तारुफ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोगों की आँखें खोलता है और ईमान वालों के लिए हदायत और रहमत है। लेकिन हम इतने बड़े ख़जाने से फैज़याब नहीं होते क्योंकि हम इसको तर्जमे से नहीं पढ़ते। ये समझ कर पढ़ने की किताब है। तो आपको उर्दू पढ़नी आती है प्यारे बच्चों, आज से अपने ऊपर लाजिम कर लें कि कम अज़ कम कुरान मजीद की 3 आयात आपने रोज़ाना ख़ुद से पढ़नी है। हम केमिस्ट्री कर रहे हैं और केमिस्ट्री को उर्दू में इल्म कीमिया कहते हैं, और इसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस कर रहे हैं। तो आज के सबक में हम एलिमेंट मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस देखेंगे और उनको तलाश करेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग्स। मिक्सचर जो है, व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स मिक्स आप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशो दे फॉर्म अ मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मुकर्रा तनासिब के बगैर मिक्स किए जाते हैं तो मिक्सचर बनता है, और मिक्स करने पर मुख्तलिफ अज्जा अपनी कीमियाई खसूसियात बरकरार रखते हैं। कंपाउंड में सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू आर मोर केमिकल एलिमेंट्स आर बाउंडेड विद केमिकल रिएक्शन एंड दे कैन नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो ये सबसे पहले है कोका कोला। आप कोका कोला बड़े शौक से पीते हैं। आप बताएं ये कंपाउंड है, एलिमेंट है या मिक्सचर है? तो ये कार्बोनेटेड वाटर होता है। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द कोका कोला इज वाटर। उसके अलावा इसमें शुगर और फास्फोरिक एसिड होता है। तो ये एक मिक्सचर है। वैसे सेहत के लिए ये अच्छा नहीं होता। इसको पानी और शुगर और फ्लेवरिंग होती है। फिर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, तो पेट्रोलियम में कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंपाउंड्स, और उसके अलावा स्मॉल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन होती है। तो इसका कोई फार्मूला भी नहीं है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड और ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। फिर हमारा हम शुगर या चीनी, ये क्यूब्स में भी आती है, ग्रैन्यूल्स में भी आती है, और ब्राउन शुगर भी होती है। तो ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें 12 कार्बन एटम, 22 हाइड्रोजन एटम, और एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 11 एटम्स होते हैं। तो इसका एक फार्मूला है। इसकी जो पेरेंट एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये एक कंपाउंड है। इसी तरह टेबल सॉल्ट जो है, टेबल सॉल्ट सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। इसका एक फार्मूला है सोडियम क्लोराइड, और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज इसके पेरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनसे बहुत फ़र्क हैं। तो ये जो है एक कंपाउंड है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये है ब्लड। आपको पता है कि ब्लड लाल रंग का होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। जब हमें चोट लगती है तो निकलता है। तो ब्लड जो है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, लिक्विड जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और जो ये एक मिक्सचर है। प्लाज्मा में वाटर, आयंस, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेज होती हैं, और वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं, प्लेटलेट्स हैं और RBC हैं। तो दिस इज़ अ मिक्सचर। फिर हमारे पास गन पाउडर है। तो गन पाउडर जो के गोलियों में इस्तेमाल होता है, तो गन पाउडर जो है उसमें चारकोल होता है जो ज़्यादा है, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट होती है और सल्फर होता है। तो दिस इज़ अ इसका भी कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन 3-4 चीज़ें इसमें इकट्ठी होती हैं। तो दिस इज़ अ मिक्सचर। गन पाउडर इज़ अ मिक्सचर। उसके बाद हम यूरिन जो है उसको लेते हैं। यूरिन एक एक्सक्रीट करते हैं, हमारे जिस्म से निकलता है। यूरिन के अंदर वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक यूरिया,
other phosphorus containing compounds और ये yellow to white color का होता है तो ये this is a इसका कोई formula नहीं होता इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो this is a mixture homogeneous mixture इसमें आपको नजर नहीं आता फिर उसके बाद है aluminium aluminium जो है एक element है क्योंकि इसको simpler form में break नहीं किया जा सकता इसका एक symbol भी है Al और atomic number 13 है it is silvery white soft non-magnetic and ductile metal in the boron group फिर यह है silicon silicon जो है उसको रेत भी silicon से बनती है तो silicon is the chemical element with the symbol of Si and atomic number 14 it is a hard and brittle भुरभुरा और सख्त है ठीक है तो silicon is a element फिर है tin tin जो है ये भी एक element है क्योंकि इसका atomic weight है इसका symbol है Sn Latin stannum और atomic number 50 है तो ये एक element है इससे simpler form में तब्दील नहीं किया जा सकता फिर ये है lime lime को आप देखें कि आप white wash भी इससे करते हैं इससे पानी का mixture बना के इसका chemical formula calcium oxide है कैल्शियम जो है वो एक फर्क सब्सटेंस है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये फार्मूला रखता है ये कंपाउंड है इसी तरह हम आइसक्रीम खाते हैं गर्मियों में खास तौर पे मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आती है तो आइसक्रीम जो है उसमें एयर सेल्स होते हैं आइस क्रिस्टल्स होते हैं फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं और शुगर का लिक्विड सिरप होता है और फ्लेवर होता है वैनिलिन का तो ये जो है वनीला एसेंस तो ये भी एक मिक्सचर है प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको सबक समझ आई होगी इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक और शेयर करें